Say hi. Hi guys. कैसे say hi baby? Rocket. और भाई किस्मत से भाई पहली गाड़ी रोकी, पहली गाड़ी को हाथ दिया और भाई इन भाई ने साथ भी दे दिया। भाई अपना नाम बताना। दीपक। बहुत भारी है। वही हो गया। अंकल 100 रुपए कम हो गए। दिहाड़ी हो गई हमारी। ठीक है। और भाई YouTube वालों वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज निकल रहे हैं हम यहाँ से तुंगनाथ के लिए। फिलहाल देख सकते हो भाई पैकिंग शैकिंग हो गई है, हल्का बहुत थोड़ा बहुत जो सामान रह गया वो भी रख लेते हैं। अब यहाँ से जाएंगे हम तुंगनाथ। तो भाई यहाँ से जाएंगे, पहले सबसे पहले हम जाएंगे ऋषिकेश, ऋषिकेश से जाएंगे भाई रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से भाई फिर निकलेंगे चोपड़ा के लिए। तो भाई ये वाला सीन रहने वाला है। अब जितने घंटे का ट्रैवल होने वाला है वो आपको भाई वीडियो में पता लग जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से हम कश्मीरी गेट जाएंगे, कश्मीरी गेट से हम निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। वहाँ तक रास्ता है 6 घंटे का, उसके बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग का भी घंटा आई थिंक 6 घंटे का रास्ता वहाँ का है। उसके बाद जाएंगे हम चोपड़ा, वो है 1.5 घंटे का रास्ता। तो भाई वीडियो देखना, मजा आने वाला है। आपको दर्शन करवाता हूँ तुंगनाथ टेम्पल के, तुंगनाथ टेम्पल कैसा है। चलो भाई फिलहाल इस वक्त हम ऋषिकेश, भाई टाइम हो रहा है 4 बज चुके हैं। अभी जस्ट हमारी यहाँ पर बस उतरी है। अब भाई यहाँ पर हमने बाहर जाके देखा है कि यहाँ से रुद्रप्रयाग की कोई बस मिल रही है नहीं मिल रही है। तो भाई एक भी बस नहीं मिली है, जिसे बोलते हैं ना भाई घर से निकले थे विदाउट प्लानिंग, कोई भी प्लानिंग नहीं थी। और भाई इसका जितना भी श्रेय जाता है ना, जाता है वो इस बंदे को। देखो भाई, मतलब भाई इस बंदे का था, जो भी था इस बंदे ने कहा कि भाई हो जाएगा सारा सीन, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, बस यहाँ से ऋषिकेश की और वहाँ से रुद्रप्रयाग की तुम्हें सारी बस मिल जाएगी। मैं कहा भाई चल पड़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब भाई यहाँ आ गए हैं, 5 बजे देखेंगे जाके कि बस मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ फाइनल है नहीं। तो भाई हो गई है गुड मॉर्निंग। तो भाई आप सभी बता दो, इससे पहले हम मिले थे 4 बजे। तो भाई आप सोचोगे फिलहाल बज रहे हैं 6, 2 घंटे क्या करा। तो भाई 2 घंटे हमने ढूंढी बस, बस इसलिए ढूंढी भाई उम्मीद थी कि 300-400 की बस मिल जाएगी, लेकिन वो मिली नहीं। तो फाइनली हमने पूरन भैया से 6,000 रुपये की कैब बुक करी। और भाई ये पीछे बैठे हैं, और ये जो तीसरा बंदा है ना, ये नया नया बंदा है, इसका भी सीन बताता हूँ भाई क्या है। इस बंदे का भाई सीन ये है, 6,000 रुपये का पड़ रहा था महंगा सीन। तो भाई हमने सोचा कि एक बंदा ढूंढो। तो भाई ये भाई भी परेशान था, इसको भी बस मिल नहीं रही थी। तो मैंने कहा भाई चल प्यासा तू भी है, प्यासे हम भी हैं, तू हमारे साथ आ जा। तो भाई हमारे साथ आ गया, इससे ले रहे हैं भाई 1,000 रुपये, हमारा भी हो जाएगा इसका भी हो जाएगा। तो भाई अब निकल रहे हैं सीधा ओखीमठ के लिए, और अब आपको दिखाता हूँ रास्ते के नज़ारे भाई कितने तगड़े हैं। चलो भाई भाई अभी रास्ते में रुके हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि भाई टाइम हो चुका है यहाँ पर 7 बज चुके हैं। अब भाई की थोड़ी सी फोटो भी खींच लेते हैं, ये भाई अपना पोज दे रहा है और फोन भाई का ये रहा। तो भाई भाई की फोटो खींच के चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, फिर निकलते हैं आगे के लिए। चलो भाई ये देखो भाई, इधर बन रही अपनी चाय और ये है भाई अपना सीधा ब्रेकफास्ट का थोड़ा सा एरिया। तो भाई यहाँ से ब्रेकफास्ट करके हम निकलेंगे आगे। और भाई देखो गुड मॉर्निंग हुई नहीं, बंदिया कॉल आ गया भाई, बात करवा दे एक बारी भाई। भाई चाय ले ले, चाय आ गई। बंदी से ही पूछ ली चाय की भाई। कितने में भैया? 5 में और दे, 5 में और दे भाई। 45 को दे दे। अच्छा भैया 5 में देंगे भाई, कभी सब जगह 5 में। केशव 5 में बचे हैं भाई, भाई साल है खुले, ये खुले जोड़ लेगा। चलो भाई चलते हैं आगे भाई, ब्रेकफास्ट हो गया है। ओ भाई बैग है सब, चलो भाई।
भाई फिलहाल टैक्सी वाले भैया ने हमें ओखीमठ उतार दिया है। तो भाई यहाँ से हमारा पहले प्लान था कि ओखीमठ रुक जाएंगे आज, तो आज ओखीमठ रुक के अगले दिन जाएंगे मतलब कल चोपटा के लिए, जहाँ से सीधा ट्रैकिंग का रास्ता चालू हो जाता है तुंगनाथ टेम्पल का। तो भाई अब प्लान में ये सोचा है हमने, अब सीधा निकलते हैं यहाँ से चोपटा के लिए, वहाँ से सीधा चलेंगे कल हम दर्शन करने के लिए। तो भाई यहाँ से नीचे उधर देख रहे हो भाई, यहीं पे आएगी गाड़ी चोपटा के लिए, हो सका तो मिल जाएगी जहाँ तक किस्मत रही, तो वरना भाई अपना पीछे होटल है ही होगा वहाँ रुक जाएंगे। और भाई व्यू देखो कितना तगड़ा है यहाँ पर। तो भैया वहाँ से पक्का है ना गाड़ी मिल जाएगी, वहाँ से पक्का गाड़ी मिल जाएगी ओके चोपटा के लिए है ना, वो चलती रहती है वहाँ से गाड़ी। हाँ अगर सवारी ना हुई फिर रुकना पड़ेगा बुकिंग। चलो भाई देखते हैं आगे जाके चोपटा के लिए गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी। भाई यहाँ पर जो लोग हैं वो तो यहाँ कह रहे हैं जहाँ पर हमारे टैक्सी वाले भैया ने छोड़ा है कि भाई यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाओगे वहाँ से तुमको मिल जाएगी चोपटा के लिए गाड़ी, इसकी चलती रहती है। अब जाके देखते हैं मिलती नहीं मिलती है, क्योंकि भाई कह रहे हैं अगर नहीं मिली ना तो तुम्हें बुकिंग करवानी पड़ेगी, हो सकता है कि बुकिंग भी फुल मिल जाए। तो भाई जहाँ तक मुझे लग रहा है कि भाई आज लिफ्ट ना मांगनी पड़ जाए, वो देख सकते हो दोनों भाई बैकपैकर की तरह सामने चलते हुए। से हाय, कैसे से हाय बेबी रॉकेट। तो भाई ये खुशी दिख तो रही है चेहरे पे, असल में इतनी खुशी दिल से नहीं है, क्योंकि भाई वो टैक्सी वाले भैया ने पैसे पूरे ले लिए, हमारे पैसे पे सिगरेट पी गए भैया, हमारे पैसे पे सिगरेट भी पी गए भाई, और पहले भी उतार दिया 1 किलोमीटर। अब देखते हैं भाई चोपटा, अभी करेंगे 1 किलोमीटर चोपटा के लिए चढ़ाई, फिर चोपटा से 6 किलोमीटर करेंगे तुंगनाथ की चढ़ाई, तुंगनाथ से एक किलोमीटर चंद्रशिला। भाई चलते रहेंगे, अपना काम सिर्फ चलने का है, बैकपैकिंग वाला बैग हमने ले लिया है पीछे अपने, चलते चलो बस। वो है ना भाई ऐसी जगह उतार दिया है ना इंसान ना इंसान की जात, मतलब इंसान है, किसी से पूछो ना भाई कहाँ जाना है, तो भाई तुम्हें पता होगा ना कहाँ जाना है, ये सीन है भाई। देखो अगर चोपटा जाना है नहीं मिलेगी, उन्होंने बोला 1 किलोमीटर दूर चल जाओ मिल जाएगी, नहीं मिलेगी कल मिलेगी। तो भाई यार ये तो मना कर रहे हैं कि चोपटा के लिए गाड़ी मिलेगी नहीं। नहीं आगे होटल हो आसपास, हम 1 किलोमीटर चले जाएंगे ना मिली तो होटल तो मिल जाएगा कम से कम। नहीं वहाँ तो होटल है आगे मिल जाएगा होटल, चलो हम आगे हम बताते हैं। हाँ तो भाई ये भी हो सकता है कि ये अपने रूम के चक्कर में बोल रहे हो कि इनका रूम लग जाए, हर किसी को अपनी रोटी खिलाती है। तो भाई सामने बोल तो लेते हो पहले कि 1 किलोमीटर दूर जाके देख सकते हो, अब चलते हैं भाई आए हैं तो करना ही क्या है, फिलहाल टाइम भाई 12:15 हो रहे हैं, टाइम पूरा पड़ा है हमारे पास पूरे दिन का, चलते हैं भाई। तो भाई आज ने लाइफ में पहली बार हिचहाइकिंग करी, और भाई किस्मत से भाई पहली गाड़ी रोकी, पहली गाड़ी को हाथ दिया, और भाई इन भाई ने साथ भी दे दिया। भाई अपना नाम बताना। दीपक सिंह भाई, मतलब अब भाई कुछ हम इनसे इतनी प्यार से बोलेंगे ना, क्या पता चोपटा भी छोड़ दे फिर, मतलब वही है ना भाई, दुनियादारी की कमी नहीं है, बस हमें हाथ देने की जरूरत होती है, वो हिचहाइकिंग वाली काम कर जाती है। अब चलते हैं भाई आगे, भाई भैया कहाँ तक छोड़ दें, क्योंकि भाई 1 किलोमीटर चलना पड़ता है, भैया ने लिफ्ट तो दे दी है, चलते हैं आगे। चलो चलो भाई, फर्स्ट टाइम हिच हाइकिंग तो भाई कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कितने पे लोगे चोपटे के लिए? 200 पे सवारी। चलो भाई तो भाई हिच हाइकिंग करके गाड़ी से उतरे थे, मतलब भाई किस्मत इतनी अच्छी, जहाँ पर भाई ने उतारा ना उतरते साथ भाई चोपटा के लिए गाड़ी मिल गई भाई, 200 रुपये पर पर्सन की गाड़ी है। नहीं नहीं अगर इसे निकाल ले तो 100 रुपये कम कर लेना, निकाल ये इसके 100 रुपये कम देंगे हम, ठीक है निकाल भाई तू निकाल ले, 100 रुपये कम मिलेंगे, तैयारी हो जाएगी, 100 रुपये निकाल चलो, 100 तू निकाल दे, 100 रुपये तेरे कम हो जाएंगे। वही हो गए अंकल, 100 रुपये कम हो गए, दिहाड़ी हो गई हमारी, ठीक है। हम ना सुबह अंकल जी, हम सुबह से बन में पागल, यहाँ से हम निकले ऋषिकेश से, ऋषिकेश से उसने ले लिया 8,000 रुपये गाड़ी के, बीच रोड पे छोड़ दिया, वो तो किस्मत अच्छी थी, हिचहाइकिंग मुझे आती थी, मैंने कुछ सिखा दी, उल्लू बनाता ना। और सुनो तो सही, बीच में घर पड़ा एक, और उन घर वालों ने बोला कि भाई चोपटा में, चोपटा के लिए तुम्हें अभी गाड़ी नहीं मिलेगी, रूम ले लो, चोपटा तो गाड़ी नहीं मिलेगी, कल मिलेगी,
हम तो एक बार जाने को तैयार हो गए थे, मैंने कहा चले भाई यही जाके देख लेते हैं, वो एकदम गाड़ी आ गई उसमें आगे आ गए यहाँ पर सीधा, वो किस्मत अच्छी थी मिल गई गाड़ी, नहीं तो वहाँ जाके नीचे रूम लेते फिर। अभी पता चौके से कितनी देर का रास्ता है आगे ट्रैकिंग का? 3 किलोमीटर है वहाँ से, 1.5 किलोमीटर चंद जिला आगे, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं 1 घंटे में जाएगी ट्रैकिंग? एक घंटे में पहुँच जाओगे। अच्छा पहुँच जाएंगे, ठीक है ठीक है, 1 घंटे में तो पहुँच जाओगे, पहुँच जाएंगे ना। हाँ हाँ तो भाई जहाँ पर भैया ने उतारा था ना वहाँ पर जिस घर में मैं बात करी थी, तो उन्होंने बोला था भाई चोपटा से गाड़ी नहीं मिलेगी इस टाइम, तो तुम्हें कल ही गाड़ी मिलेगी, उसकी तुम्हें पहले बुकिंग करनी पड़ेगी। तो भाई यहाँ पर चोपटा जैसे ही भैया ने उतारा है चेकिंग करके आए चोपटा में, भाई लाइन लग के गाड़ी खड़ी हुई थी, एक गाड़ी तो बस जाने को तैयार थी भाई, उसी में बैठ गए, अब निकल रहे हैं यहाँ से सीधा चोपटा के लिए, मिलते हैं आपसे सीधा चोपटा में।